आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी सरगर्मियों के बीच अब राजनीतिक दलों ने तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और पीयूष गोयल को उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के लिए लोकसभा चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। इसके पहले पार्टी ने 17 राज्यों के लिए इसी तरह की नियुक्ति की थी। पार्टी सूत्रों ने स्पष्ट किया कि गुजरात के नेता गोवर्धन झड़ापिया उत्तर प्रदेश के लिए 6 सह प्रभारियों में से एक होंगे। उन्होंने कहा कि यूपी जैसे बड़े राज्य में कई सह प्रभारी की जरूरत है। पहले खबर आई थी कि झड़पिया उत्तर प्रदेश के प्रभारी होंगे। अब तक बीजेपी ने राज्य के लिए 3 सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। बीजेपी के एक बयान में कहा गया है कि जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के प्रभारी होंगे। बीजेपी की तरफ से जारी बयान के मुताबिक निर्मला सीतारमण दिल्ली की प्रभारी होंगी। पूर्व मंत्री कलराज मिश्रा हरियाणा के प्रभारी होंगे, जबकि अविनाश राय खन्ना को त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इन राज्यों के लिए कुछ और वरिष्ठ नेता प्रभारी होंगे। पीयूष गोयल को तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जिम्मेदारी दी गई है। बयान में कहा गया कि बीजेपी महासचिव मुरलीधर राव कर्नाटक के लिए लोकसभा चुनाव प्रभारी होंगे। बहरहाल आपको बता दें कि यूपी में लोकसभा के लिए 80 सीटें हैं, इसलिए इस राज्य पर सभी दलों की विशेष निगाह रहती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने गठबंधन बनाने को लेकर मुलाकात की थी। कहा जा रहा है कि दोनों विपक्षी दल केंद्र में सत्ताधारी को टक्कर देने के लिए कमर कस चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।